नवीन महवा मंडी में आलू 12 रुपए जबकि प्याज 15 रुपए किलो तक की बिक्री की जा रही है, जिसके संबंध में फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य शम्स तवरीज ने कहा कि रात्रि कर्फ्यू से आलू प्याज के दामों पर कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि रात्रि कर्फ्यू लगने से जनता घबरा गई है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब्जियों के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आढ़तियों एवं एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य शम्स तवरीज ने कहा, नौशाद अली। रात्रि कर्फ्यू लग गया है मंडी में, इतना आलू और प्याज का रेट क्या है? मंडी में आलू प्याज का रेट महंगा तो नहीं है, सस्ते ही है। क्या आलू बिक रहा वही 14 रुपये से लगा के, मान के भाई प्याज 14 रुपये से लगा के 15 रुपये किलो तक बिक रहा है। आलू बिक रहा वही 1100 से 1200 लाल आलू बिक रहा है, 800 से लगा के 900 रुपये सफ़ेद आलू बिक रहा है। आपको फैल रही है कि रेट बढ़ेगा क्या ये सही? नहीं नहीं, रेट नहीं बढ़ेगा। क्या कहना चाहेंगे कि कैसे अब क्या रात में सुबह से रात 9 बजे से लगा के सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन है, 6 बजे तक का। जो भी आएंगे ग्राहक तो सुबह आएंगे। मेरा नाम शम्स तवरेज है, फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन कार्यकारिणी सदस्य। रात्रि कर्फ्यू लग गया है इस समय मंडी में, आलू का रात्रि कर्फ्यू लग गया है तो आलू का रेट तो बहुत ही मतलब काफ़ी रेट नहीं है, जैसे कि 12 रुपये 12.5 रुपये किलो का लाल बिक रहा है आलू, और प्याज बिक रही है 14 रुपये से लगा के 15 रुपये किलो तक की, 15.5 रुपये किलो तक की प्याज बिक रही है। और रात्रि कर्फ्यू की थोड़ा जनता दहशत में है, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, भरपूर आवक है और कभी भी कोई किसी माल की कमी नहीं होगी गोरखपुर मंडी में, जैसे कि सब्जियों की कोई कमी नहीं होगी, इसमें भरपूर आवक है और रेट भी कोई ऐसे नहीं है कि बढ़ने के कोई चांसेस ज़्यादा है, कि बड़ा लॉकडाउन लग गया हुआ है, कर्फ्यू लग गया है रात्रि तो रेट बढ़ा के बेचा जाए, इतना सामान रेट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आवक भी भरपूर आ रही है। अपील आपके द्वारा जी, कोई अपील आपके द्वारा? हमारे द्वारा यही अपील है पूरी जनता को, मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ गोरखपुर की जनता को कोई परेशान ना हो, और यहाँ के प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी परेशानी के सामना नहीं होगा, और कोई भी प्रशासन को ये मंडी परिसर से कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें, और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय जो यहाँ पर खास, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ बहुत मेहनत कर रहे हैं मंडी के अंदर, और कल उन्होंने मीटिंग भी किया था मंडी के अंदर, और सारे चीज़ों को उन्होंने समझाया किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क का प्रयोग किया जाए, इसलिए हम लोग जनता को भी बता रहे हैं, जो कस्टमर आ रहे हैं उनको भी बताया जा रहा है, और आवक से और प्रशासन इस चीज़ से कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भरपूर आवक है और कोई रेट में भी बढ़ोतरी नहीं होगी जहाँ तक का उम्मीद है। संजय शुक्ला अध्यक्ष पूर्वांचल सब्जी फल विक्रेता कल्याण समिति महवा मंडी गोरखपुर। आलू प्याज का रेट वर्तमान समय में बहुत ही सस्ता ही रेट है, सफ़ेद आलू का भाव 800-900 रुपये कुंटल तक है, लाल आलू का भाव 11-12 रुपये तक है। अभी रात्रि कर्फ्यू लग गया, क्या रात्रि कर्फ्यू लगने से रेट बढ़ने की संभावना है? नहीं नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं, चूँकि व्यापार दिन में होता है, सब्जी का भी व्यापार चूँकि हरी सब्जी का रात में होता है, लेकिन उससे भी जो है अभी तक प्रशासन से कोई ऐसी दिक्कत व्यापारियों की आई नहीं है रात में, चूँकि हरी सब्जी मंडी चलती है, और उसमें ये कहा गया था कि कहीं प्रशासन पुलिस प्रशासन परेशान करेगी तो क्या होगा, तो उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा था ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और दिक्कत आएगी तो इस पर समाधान की कोशिश की जाएगी। कोई आवक की स्थिति ठीक है, जो इस समय आनी चाहिए उसमें कोई बहुत प्रभाव नहीं है।